नमस्कार, मैं इस्लामुद्दीन खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। औरंगाबाद नगर निगम सभागृह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के विरोध करने वाले एमआईएम पार्टी के पार्षद सैयद मतीन को बीजेपी पार्षदों ने जमकर पिटाई कर दी। औरंगाबाद नगर निगम में शुक्रवार को पानी योजना के लिए मीटिंग रखी गई थी। अटल जी के निधन के बाद शुक्रवार को नगर निगम में उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही थी, तभी एमआईएम के पार्षद मतीन ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद बीजेपी के पार्षदों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने एमआईएम पार्टी के सैयद मतीन को जमकर पिटाई कर दी। इस घटना के बाद सभी पार्षदों ने मतीन की निलंबन की मांग कर डाली। पिटाई से जख्मी मतीन को औरंगाबाद के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा के लिहाज से अस्पताल के बाहर काफी बंदोबस्त किया गया है। इस पूरी घटना पर विधायक इम्तियाज जलील ने कहा है कि घटना की रिपोर्ट बनाकर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को भेजी जाएगी। मीटिंग से पहले क्या हुआ है, ये सभी ने अपनी अपनी राय दी। सभी ने अपनी अपनी राय देकर ये तय किए है कि महानगर पालिका के अंदर जो तोड़फोड़ हुई है, अब जो मारा गया है मतीन को, उसका हम सख्त विरोध करते हैं। और सिर्फ विरोध नहीं करते हैं, अभी हम पूरे कॉरपोरेटर्स, सिर्फ कॉरपोरेटर्स यहां से निकल के जाएंगे। अभी हमने कमिश्नर से बात किए हैं और कमिश्नर को हमने ये बताने वाले हैं कि जब इससे पहले मामला हुआ था, जब जफर बिल्डर का और मतीन का मामला हुआ था, तो आपके महानगर पालिका ने कंप्लेन रजिस्टर कराई थी। अब वहां पर अगर मारपीट हुई है तो मतीन की एक कंप्लेन तो ले ली जाए, लेकिन साथ ही साथ महानगर पालिका अपने ओर से ये कंप्लेन रजिस्टर करना चाहिए। पहले जब वाकयात हुए उन्होंने गुंडागा हमारे गुंडागर्दी आपको दिक्कत आई थी बहुत, और आज जो भारतीय जनता पार्टी के कॉर्पोरेटर ने राजवान खेड़े प्रमोद राठौड़ और पूरे कॉर्पोरेटर ने जो मुझ पर हमला किया, अरे दम था तो अकेले आना था, एक अकेले में दस दस आ रहे, फिर भी हमने पूरी मुकाबला किया। वहीं इम्तियाज जलील ने कहा है कि वाजपेयी के श्रद्धांजलि का विरोध करना मतीन का अपना निजी राय है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें, इसके पहले भी सैयद मतीन ने वंदे मातरम का विरोध किया था। आप जुर्म और राजनीति की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।